सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है हमारी इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है जो भी कॉस्ट आप बनने में लगा रहे हैं अपनी एक डिश को। यहाँ पे फूड कॉस्ट तो आप लोगों को मालूम है, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है आपकी डिश की प्राइसिंग के लिए, वो है आपका लेबर, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो भी इन्वेंट्रीज आपकी लग रही हैं, आपके फ्यूल, फ्यूल चाहे आपका गैस हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या फिर आपका कोल हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो भी रखने हैं। हम लोग कभी भी कोई भी कॉस्टिंग निकालते हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट के मार्जिन्स नहीं रखते हैं, आपको आपके प्रॉफिट के मार्जिन्स भी रखने ही हैं। बेसिकली हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग कभी भी अपने प्रॉफिट के मार्जिन को ऐड नहीं करते। हमें लगता है कि मैं अपने प्रॉफिट के मार्जिन ऐड कर रहा हूँ तो मेरी जो डिश का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप वहाँ पर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को नहीं रख रहे हैं तो आपको बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आपके प्रॉफिट के मार्जिन चाहे वो कम भी हो चाहे ज़्यादा भी हो पर आपको रखने ज़रूर हैं। इवन यहाँ पे आपको अपने रेंट क्या आप दे रहे हैं, हो सकता है कहीं पे अगर आप कम रेंट दे रहे हैं आपको अपने डिशेस के प्राइस कम रख लेने चाहिए, पर अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पे रेंट पे कर रहे हैं या रेंट दे रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से ही अपने डिशेस के प्राइस रखने चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, आपने कहीं से लोन लिया है या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह आपने रेंट पे लिए हैं, आप रेंट पे कर रहे हो या फिर आप एक को वर्किंग किचन्स में काम कर रहे हो, जहाँ की आप जहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पे करना होता है या आपने किसी फ्रेंड से उधार लिया है, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको आपको ध्यान रखने हैं अपने डिश की प्राइसिंग के लिए। फूड कॉस्ट एक अलग चीज़ है, जो मार्केट में चल रहा है वो अलग चीज़ है, बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आपको अपने ध्यान में रखना है।